starting with the name of the province most notable and beneficial in the world. Which is the name of चार्ज नंबर 10th क्लास का क्वेश्चन है और 3.4 का क्वेश्चन है। सेकंड हमारा चल रहा था, सेकंड के पहले पांच पार्ट मैंने करवा दिए थे, नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, 6, 7, 8 तक। तो इसके दो पार्ट मैं करवा दूंगा, दो आप खुद ही करोगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या यूज ऑफ नेक्स्ट पर भी कोई फिल्म करना है जो आपने पहले किया था, क्या था वो अपना पैसेंट लिख दो। A over B equals to C over D, इसको हम लिखे थे ना था A plus B over A minus B equals to C plus D over C minus D। इन दोनों को इस साइड पर प्लस करके माइनस करके लिखे थे, दूसरी साइड पर ये दो है तो इन दोनों को प्लस और माइनस करके लिखो। आप आते हैं आगे, इधर हमें कैसे फॉर्मूला लेना है, हमारे पास क्या होगा x माइनस टू का उसके माइनस एक्स माइनस फोर का उसके ये मैं ऊपर वाली का वैल्यू आ गई प्लस नीचे वाली वैल्यू एक्स माइनस टू का उसके प्लस एक्स माइनस फोर का और उसके उसको जब ब्रैकेट से लगा दें ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू। अब इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू एक्स माइनस टू का उसके माइनस एक्स माइनस फोर का उसके लिए वैसे ही आ गया ऊपर वाली वैल्यू। अब माइनस नीचे वाली वैल्यू एक्स माइनस टू का उसके माइनस प्लस एक्स माइनस फोर का और उसके इक्वल्स टू दूसरी साइड पर भी एक बार होगा दोनों को ऐड करके ऊपर 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 12 माइनस 13। ठीक है अब आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं देखने का मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस टू का उसके माइनस एक्स माइनस फोर का उसके प्लस प्लस से ब्रैकेट ओपन हो तो वैसे जाएंगे एक्स माइनस टू का उसके प्लस एक्स माइनस फोर का उसके ये सारे वैसे मैंने डिवाइडेड बाय ये एक्स माइनस टू का उसके प्लस ब्रैकेट वैसे ही ये भी वैसे ही माइनस एक्स माइनस फोर का उसके ये माइनस जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा एक्स माइनस टू का उसके ये भी प्लस होगा ये भी माइनस होगा एक्स माइनस फोर का फोर उसके। ठीक है इक्वल टू 12 प्लस 13 हमारे पास होता है 27 और 12 माइनस 13 13 में से 12 निकालेंगे तो एक बचेगा बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड आ गई हमारे पास। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है इधर से हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है नेक्स्ट हमारे पास हो जाए एक्स माइनस टू का उसके प्लस एक्स माइनस टू का उसके हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर नीचे माइनस एक्स माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का एक्स फोर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा ये भी वन है ये भी वन है तो माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया बस साइन जो है वो इसी का लगेगा इन दोनों में से किसी एक का अगर तो बड़ी वैल्यू हो तो बड़ी का लग जाएगा दोनों सेम वैल्यूज हो तो किसी एक का लग इक्वल टू 27 बाय माइनस 1। ठीक है अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल ये टू इस टू से कैंसिल बाकी हमारे पास बच गया एक्स माइनस टू का हो उसके ओवर एक्स माइनस फोर का हो उसके इक्वल टू 27। अब हमारे पास अगर हम देखें इस का पूरे का स्क्वायर है तो हम अपना स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसका अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर इजीली लिखा जा सकता है और दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। ठीक है टेकिंग स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट और और वो ये है कि 12 प्लस 13 और दैट 25
आपने लिखा हुआ 27, तो ये भी आएगा 25, ये भी आएगा 25, ठीक है। और बाकी हमारे पास 25 में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर बचेगा हमारे पास 5 और इधर होगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं सर प्लस माइनस आ जाएगा, एक दफा x माइनस 2 को हमने प्लस 5 दे दिया, एक दफा यही वैल्यूज हमारे पास आ गई माइनस 5 के साथ। सो सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस टू इधर ही रहेगा, ये जो नीचे वाले एक्सपोनेंट को डिवाइड हो रही है तो 5 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो, फाइव एक्स करूंगा तो 5x होगा, माइनस 5 को 4 से करूंगा तो ये 20 होगा, ठीक है। तो x वाली वैल्यू एक साइड में कॉन्स्टेंट, एक साइड में 5x ये बड़ी वैल्यू ये इधर ही रहेगी, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस टू वैसे ही, ये जब माइनस 20 दूसरी साइड आएगा ये प्लस 20 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और देखा 5x माइनस एक्स ये 4x माइनस 2 प्लस 20 की हो जाएगा हमारे पास 18, मतलब 20 में से 2 गए तो 18 बचे। अब आपने एक्स निकालना है तो एक्स इधर ही रहेगा, 18 को 2 पे हम डिवाइड 4 पे सॉरी डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 2 2 4 2 9 8। इसी तरह से हम इसको अगर देखें ये x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 वैसे ही, ये x माइनस 4 डिवाइड और ऐसे का मल्टीप्लाई है x माइनस 4, ठीक है। तो ये x माइनस 2 वैसे ही, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू माइनस 4 की जगह प्लस 20, ठीक है। अब किसका मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, सर ये माइनस 5x है क्योंकि माइनस में तो हम इसको इधर ला रहे हैं, x इधर आके प्लस 5x हो जाएगा, ये माइनस 2 सर में जगह थी प्लस 20 ऑलरेडी इधर है, माइनस 2 जब इधर आएगा प्लस 2 होगा, ये माइनस 5x इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। साइन दोनों में चेंज हो गया, x प्लस 5x हो जाएगा 6x, 20 प्लस 2 हो गया 22, तो x इधर ही 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे डिवाइड में देगा तो ये 2 3 6 2 11 का, तो हमारे पास जो x के दो आंसर आ गए, एक है 9/2 दूसरा 11/6, ठीक है। तो एक ये था क्वेश्चन, दूसरा जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देख लेते हैं, वो क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है, स्क्वायर रूट आ गए इसलिए मैं इनका वो भी करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8t² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8t² अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस t² डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8t² प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस t² इक्वल्स टू ऊपर नीचे वाली दोनों को प्लस करके ऊपर माइनस करके नीचे, तो लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 8t² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3t², ठीक है। ये वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8t² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3t², ठीक है। नीचे सेम यही वैल्यू पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8t² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3t², ये प्लस की जगह माइनस बाकी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 8t² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3t², ठीक है। इक्वल टू
इस साइड का भी एक फॉर्मूला ला लेना, इन दोनों को प्लस करके 1 + 3/(1 - 3) ठीक है। अब अगर आप ब्रैकेट वाइज सिस्टम में खत्म कर देता हूँ, ये खत्म होगी क्योंकि प्लस आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो उधर वाली वैल्यू की साइन चेंज हो गई। ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, यानी ब्रैकेट जब ओपन होती है तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज होते हैं। आप एक स्टेप कर लेना, माइनस होकर मल्टीप्लाई कर लेना, वो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो। अब नेक्स्ट देखेंगे ये माइनस वाली वैल्यू है प्लस वाली से कैंसिल, अंदर देखो पूरा सेम है, x²-3x²-3। ये वाली प्लस की वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल, बाकी आप देखें ना वर्ग का 1 + 3 ऊपर हो जाएगा 4, 1 - 3 होगा -2, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, बड़ी वैल्यू 3 का नेगेटिव साइन तो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, x²+8t², तो 2 × √x²+8t² डिवाइड बाय -2 × √x²-t², ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसल, 2 से कैंसल, ये 2 × √2 = 4। अब जो रिमेनिंग बच गया वो क्या, इधर से 2 है, इधर x²+8t² डिवाइड बाय x²-t², ठीक है। अब क्योंकि दोनों का अलग अलग अंडर रूट था, मैं एक ही अंडर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट एक खत्म किया, अब अंडर रूट आ गया तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेके अंडर रूट को खत्म करेंगे। तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों साइड में, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से क्या सर, इस साइड पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास x²+8t² / x²-t², ठीक है। ये नीचे डिवाइड और एक्स को साइड में लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x²+8t² = 4 × x²-t², ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x²+8t², ये वैसे ही आ जाएगा 4 × x²-4 को पीछे से करूंगा -4t², x² ये भी है ये भी है, इसको एक साइड पे दूसरी वैल्यू इसको एक साइड पे 4x² + ये प्लस के इधर आगे हो जाएगा हमारे पास -x², ये 8t² है और ये माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक। 4x जब मैं 1x निकालूंगा तो हमारे पास सॉरी ये 5t² चला जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 4x²-3x² 8t²+4 ये जगह मैं 12t², ठीक है। तो अगर आप फर्दर आगे लिखेंगे क्या होगा हमारे पास, 3x² = 12t² 3 से मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड कर देंगे तो x² = 12t² / 3 3 × 3 = 4 हमारे पास क्या बात किया, x² = 4t². अब हमारे पास आ गया स्क्वेयर, स्क्वेयर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड में अंडर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी, तो x² होगा और t² का कैंसिल होगा, ये p बचेगा और 4 का मैं बता अंडर रूट होता 2, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू जा रही +2p और 1 -2p, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमारे पास है क्यूब, तो अब उसमें क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे, जैसे हमारे पास आएगा ये, अगर मैं एक वैल्यू लिख दूं उसकी x + 5³ और x-3, ऊपर हमारे पास आएगा x + 5³ और x-3³ = 27 रहेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे ना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारे पास ये फॉर्मूला देंगे,
उसके बाद हम नेक्स्ट को खत्म कर लेते हैं, हम देखेंगे होल का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। और अब इसको हम कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, ठीक। ये कैंसिल होगा, ये जो है क्यूब रूट जो 27 का वो 3 होगा, ठीक है। कैसे होगा, 27 किया 3 9 27 3 3 9 3 3, तो 3 की पावर 3 होता है 27। जब इधर ना आ गया अगर देखो 27 की जगह 27 की जगह 3 की पावर 3, ये इसे कैंसिल सिंपल 3 बार दे। इधर जब ये कैंसिल हो गया हमारा पावर जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3। तो इसको आगे हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो आज का इतना ही था, ये सारे पार्ट जो 4 हैं 2 मैंने पूरे करवा दिए, एक ये जो था ये भी करवा दिए तकरीबन। और कोशिश करें खुद ही हो और प्रैक्टिस करते रहे, नहीं तो होगा तो आप मेरे से पूछें। जो ऊपर एक मैंने लिखा हुआ है कोटेशन है, उसमें क्या है कि अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो आओ मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हमें खुदा की मोहब्बत की जरूरत क्यों, खुदा ही वो ज़ात है जो कभी हमें गिला नहीं छोड़ता, खुदा ही वो ज़ात है जिसने हमारी जरूरियात को पूरा कर दिया। और अगर हमारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक होगा तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम हज़ूर सल्लम की बात मानते हैं तो वो इंडायरेक्टली अल्लाह ताला की माने की, हज़ूर सल्लम ने कहा अपने अखलाक बेहतर करो, वही अल्लाह ताला ने कहा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी भी बातें हैं जितने भी अहकामात हैं उनका फ़ायदा हमें खुद को है। तो कोशिश करें, अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर।